कुछ ना कुछ किसी दिन लहराएगी। तो इसी उम्मीद के सहारे मैं भी भाई शुभकामनाएं देता हूँ कि बच्चे और आए, बढ़े, आगे निकले। कुछ सरकार से गुजारिश करता हूँ कि मैट आए और कैसी सुविधाएं आपको चाहिए, पानी। हाँ, मैट आए, बाउंड्री बाउंड्री हो जाए, खड़ा। हाँ, इन्फॉर्मेशन मिले कम से कम। सरकार को चाहिए कि जो भी अखाड़े चल रहे हैं इनके नंबर लिए जाए, इनको रजिस्टर किया जाए, अपनी वेबसाइट वो अपडेट करें, बच्चों को बताएं, जानकारी दे के भाई वेबसाइट पे इन्फॉर्मेशन आएगी, इस तरह वहाँ पे फॉर्म भरे जाए, जो भी सुविधाएं वो मिले। हाँ, मिले हैं बिल्कुल, फॉर्म भरे में तो मेरे भरना पड़े। तो इन इन्हीं बच्चों में से कोई बच्चा सुशील कुमार या योगेश्वर दत्त या उससे भी आगे जा सकता है। तो इसी के साथ मैं खत्म करता हूँ इतना जान। और धन्यवाद। तो मट्टी पहनते कुश्ती बनी है, मट्टी पहनते कुश्ती बनी है। अच्छा, किस पहलवान की भैया? अच्छा, हाँ, वो अच्छे पहलवान, अच्छे पहलवान भारत के स्वतंत्र लड़के कुश्ती बनी है। वो भारत के केसरी बने, मैं था उनके साथ वहाँ। सुशील से तो ना भाई, पर प्रवीण राणा तो कुश्ती भैया ही है। राणा तो भैया इनके अच्छा पहलवान है। सुशील पहलवान अच्छे अच्छे पहलवान तो कुश्ती भैया है। हाँ, ऐसे ना सब जानता है गार्डन पे। हाँ, इनको जो सुविधा है जो मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए जो सरकार दे रही है। जैसे एक बार बंद कर दीजिए।